रेस्टोरेंट्स में जो रॉ वेजिटेबल्स यूज होती हैं फाइनल वेजिटेबल्स को बनाने के लिए, कुक्ड वेजिटेबल्स को बनाने के लिए, क्या वो इंटरमीडिएट गुड है या फाइनल गुड है? जो लैपटॉप आप अभी यूज़ कर रहे हैं इस क्लास को देखने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए, क्या वो इंटरमीडिएट गुड है या फाइनल गुड है? जो रेफ्रिजरेटर आइसक्रीम पार्लर्स पर पड़ा होता है, क्या वो इंटरमीडिएट गुड है या फाइनल गुड है? जो ट्रैक्टर जो एक फार्मर यूज़ कर रहा है फार्मिंग करने के लिए, क्या वो इंटरमीडिएट गुड है या फाइनल गुड है? तो बच्चों नहीं पता ना कि क्या इंटरमीडिएट गुड है और क्या फाइनल गुड है, कैटेगराइजेशन नहीं कर पा रहे हो, है ना? तो डोंट वरी बेटा, वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट। जय श्री श्याम एवरी वन, दिस इज साक्षी दुआ, वेलकम्स यू टू क्लास 12। ग्रूमिंग एजुकेशन इज गोइंग टू असिस्ट यू टूडे कि कैसे आपको पता लगेगा कि कौन सा गुड इंटरमीडिएट गुड है या फाइनल गुड है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे नेशनल इनकम यूनिट से। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो इंटरमीडिएट गुड एंड फाइनल गुड, तो सबसे पहले बेटा समझेंगे इसके बारे में। देखिए दो टाइप के गुड्स होते हैं, एक होता है कंज्यूमर गुड्स, एक होते हैं प्रोड्यूसर गुड्स, जिसके नेम से ही हमें पता लग रहा है। कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स मतलब वो वाले गुड्स जो कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं, ठीक है, जो कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं, जैसे ब्रेड, बटर, ये क्या होता है हमारे घरों पे नॉर्मली यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ब्रेड बटर क्या है बेटा, कंज्यूमर गुड है। आप लोग जो अभी लैपटॉप यूज कर रहे हो वीडियो को देखने के लिए, वो भी क्या है, कंज्यूमर गुड है। आप जो मोबाइल यूज कर रहे हो वीडियो को देखने के लिए, वो भी क्या है, कंज्यूमर गुड है। कंज्यूमर गुड्स आर बेसिकली वो गुड्स जो कंज्यूमर ने कंज्यूम कर लिए हैं। कंज्यूमर को हम और क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, हम हाउस होल्ड भी बोलते हैं, राइट। तो वो वाले गुड्स जो अल्टीमेटली कोई कंज्यूमर या हाउस होल्ड कंज्यूम कर ले, उसे हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। सो जनरली जो भी चीज़ें आपके घर पे यूज़ हो रही हैं, आपके जो भी गारमेंट्स हैं या आपके जो भी किचन में सामान है, ठीक है, वो सब क्या है बेटा, कंज्यूमर गुड है, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हो, उसे यूज़ कर रहे हो। जो भी फर्नीचर यूज़ हो रहा है, टेबल, चेयर, ये भी क्या है, कंज्यूमर गुड है, जो आपके घर पर है। ध्यान रहे मैं वो बात कर रही हूँ जो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है ना। तो ये होते हैं बेटा कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रोड्यूसर गुड्स की। प्रोड्यूसर गुड्स नाम से पता लग रहा है, जो प्रोडक्शन करने के काम आते हैं गुड्स, राइट, जो प्रोडक्शन करने के काम आते हैं। और इन्हें कौन यूज़ करेगा, बेसिकली प्रोड्यूसर यूज़ करेगा। तो बेसिकली ये वो वाले गुड्स हैं जो प्रोड्यूसर्स यूज़ करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पर समझेंगे बेटा दो टाइप प्रोड्यूसर गुड के। एक होते हैं बच्चे सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स, सिंगल यूज, नाम से ही पता लग रहा है ना, जो एक ही बार यूज होंगे, एक बार यूज होंगे, दोबारा रीयूज नहीं हो सकते हैं, दोबारा यूज नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल फार्मर, फार्मर बेटा जब फार्मिंग करता है तो जो सीड्स उसने एक बार यूज कर ली तो वो रीयूज नहीं कर सकता ना। फार्मर्स जब फार्मिंग करते हैं तो पेस्टिसाइड्स जो उन्होंने यूज कर लिए वो रीयूज नहीं कर सकते ना। तो ये जो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन करने के काम आ रहे हैं, लेकिन हम उन्हें दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, एक बार यूज़ कर लिया तो बस वो एक ही बार यूज़ होकर ख़त्म हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स। अब बात करेंगे दूसरे गुड्स की, जो कि है मल्टीपल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स, मल्टीपल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स। अब मल्टीपल यूज प्रोड्यूसर गुड्स नाम से ही पता लग रहा है, जो मेनी टाइम्स यूज होते हैं, बहुत बार 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 यूज होते हैं। जैसे फार्मर का जो ट्रैक्टर है, फार्मर फार्मिंग करते टाइम अपने ट्रैक्टर को यूज करता है। एक बार ट्रैक्टर को यूज करा फार्मिंग करने के लिए, वो ट्रैक्टर खत्म थोड़ी हो जाएगा, वो तो मल्टीपल टाइम्स क्या होगा, बार 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 यूज होगा, सालों साल यूज होगा बेटा। इस टाइप के गुड्स जो मल्टीपल यूज के होते हैं, मेनी टाइम्स यूज होते हैं, उसे बोलते हैं मल्टीपल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। यहां तक कोई डाउट किसी को, अगर कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारी जो टीम है वो आपको एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई करेगी। अब ये तो हो गए बेटा प्रोड्यूसर गुड्स के बारे में, कि प्रोड्यूसर गुड्स को दो में डिवाइड किया गया है, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स और एक मल्टीपल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। अब यहाँ पर और अच्छे से समझना है, जो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। क्या बोलते हैं हम, इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। अब थोड़ा सा हम इसको डीपली समझते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटरमीडिएट गुड्स में एक तो आता है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स,
मैंने जब आपको नेशनल इनकम चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कराए थे बेटा, तो वहां पर मैंने आपको बताया था ना, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स के नाम से इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन होती है, राइट? तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स. दूसरा बेटा इसमें क्या आ जाता है? गुड्स फॉर रीसेल. गुड्स फॉर रीसेल मतलब वो वाले गुड्स जिसमें आप बिजनेस करते हो, वो वाले गुड्स जो आप लेकर आते हो कि आगे इसे प्रॉफिट पे बेचूंगा. जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, मान लो मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, तो मैं जो टेबल चेयर लेकर आ रही हूँ आगे बेचने के लिए, वो टेबल चेयर फर्नीचर मेरे लिए क्या है? मेरे लिए वो है गुड्स फॉर रीसेल, और दैट विल बी द इंटरमीडिएट गुड्स. एक स्कूल कैंटीन का एग्जांपल लेते हैं. स्कूल कैंटीन जो कोल्ड ड्रिंक्स, जो चिप्स के पैकेट वगैरह लेकर आता है, किस लिए लेकर आता है? मैन्युफैक्चरर से खरीद कर, ताकि वो बच्चों को, ताकि वो स्टूडेंट्स को सेल आउट कर सके फॉर अ प्रॉफिट, राइट? सो वो भी क्या है? गुड्स फॉर रीसेल फॉर स्कूल कैंटीन. तो वो है उसके इंटरमीडिएट गुड्स. सो क्लियर हुआ? इंटरमीडिएट गुड्स में दो टाइप के गुड्स होते हैं. एक होते हैं सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, दूसरा होते हैं बेटा गुड्स फॉर रीसेल. अब हम बात करेंगे हमारे फाइनल गुड्स के बारे में. फाइनल गुड्स में बेटा दो टाइप के गुड्स हैं. जैसे इंटरमीडिएट गुड्स में दो तरीके के गुड्स आपको दिखे, ऐसे ही फाइनल गुड्स में भी दो तरीके के गुड्स इंक्लूड मिलेंगे आपको. कंज्यूमर गुड्स जो मैंने आपको अभी बताए, वो वाले गुड्स जो अल्टीमेटली कौन कंज्यूम कर रहा है? कंज्यूमर्स कंज्यूम कर रहे हैं. सो जितने भी कंज्यूमर गुड्स हैं ना, वो सारे के सारे किस में काउंट होते हैं? फाइनल गुड्स में. और दूसरी बात इसमें और आ जाते हैं बेटा, मल्टीपल यूज प्रोड्यूसर गुड्स. मल्टीपल यूज प्रोड्यूसर गुड्स मतलब वो वाले गुड्स जो मल्टीपल टाइम्स यूज होते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है? मल्टीपल यूज प्रोड्यूसर गुड्स मतलब कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स कम्स अंडर फाइनल गुड्स, ठीक है? तो दो टाइप के गुड्स बेटा दिखते हैं हमें फाइनल गुड्स में. नंबर वन कंज्यूमर गुड्स, जितने भी कंज्यूमर गुड्स हैं, चाहे वो ड्यूरेबल हैं या नॉन ड्यूरेबल हैं, मतलब जिसकी स्मॉल लाइफ है या लॉन्ग लाइफ है, दोनों टाइप के गुड्स इसमें कंज्यूमर गुड्स में कवर अप हो जाएंगे फाइनल गुड्स के अंदर. दूसरा बेटा कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स इसके अंदर आते हैं, ठीक है? तो एक बार रिकॉल करते हैं बेटा गुड्स के बारे में. गुड्स दो टाइप के हैं, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स जो हम स्टडी करने वाले हैं. फाइनल गुड्स में बेटा सारे के सारे कंज्यूमर गुड्स आते हैं, यानी कि वो वाले गुड्स जो कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं कंजम्पशन के लिए. दूसरा बेटा कैपिटल गुड्स आते हैं, यानी कि वो वाले गुड्स जो प्रोडक्शन के काम आते हैं और वो मल्टीपल यूज होते रहते हैं प्रोडक्शन में. जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया था, ट्रैक्टर बाय फार्मर, रेफ्रिजरेटर बाय आइसक्रीम पार्लर. नेक्स्ट इंटरमीडिएट गुड. इंटरमीडिएट गुड्स में बेटा एक तो गुड्स फॉर रीसेल आते हैं, मतलब जिसमें हम बिजनेस कर रहे हैं, वो वाले गुड्स. और दूसरा सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स. सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड मतलब वो वाले गुड्स जो प्रोडक्शन के काम आते हैं, लेकिन वो एक ही बारी में क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल, फॉर एग्जांपल सीड्स यूज्ड बाय द फार्मर, राइट? सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स. सो आइए बेटा, तो अब मूव करते हैं हमारे हॉट क्वेश्चंस पे. इनमें से आपको ये बताना है कि कौन से गुड फाइनल गुड्स हैं और कौन से गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स हैं. तो आइए देखते हैं बेटा. कोल यूज्ड बाय कंज्यूमर हाउसहोल्ड. तो मैंने आपको अभी बताया था, जो भी गुड कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, अल्टीमेटली सारे के सारे कंज्यूमर गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है, और कंज्यूमर गुड्स सारे के सारे फाइनल गुड्स के होते हैं, राइट? तो इट्स अ फाइनल गुड्स. कोल जो भी कंज्यूमर यूज कर रहा है, तो जितने भी कंज्यूमर गुड्स हैं सारे किसमें आते हैं? फाइनल गुड में, ठीक है? तो रीजन बीइंग इट इज बीइंग यूज्ड बाय द कंज्यूमर, इट्स अ कंज्यूमर गुड एंड ऑल कंज्यूमर गुड्स कम्स अंडर फाइनल गुड. नेक्स्ट, मोबाइल सेट्स परचेज्ड बाय अ मोबाइल डीलर. मोबाइल डीलर ने मोबाइल सेट परचेज करे हैं. अब मोबाइल डीलर का तो काम ही यही है कि वो मोबाइल्स में बिजनेस कर रहा है, मोबाइल्स को वो खरीदता है आगे सेल करने के लिए कस्टमर्स को, राइट? तो ये क्या है? ये है गुड्स फॉर रीसेल. गुड्स फॉर रीसेल एंड वी नो दैट बेटा गुड्स फॉर रीसेल कम्स अंडर इंटरमीडिएट गुड्स. तो ये है इंटरमीडिएट गुड. नेक्स्ट, परचेज ऑफ पल्सेस बाय अ कंज्यूमर. कंज्यूमर जो पल्सेस परचेज कर रहा है, तो अल्टीमेटली कौन कंज्यूम कर रहा है? कंज्यूमर ना. तो ये क्या है? कंज्यूमर गुड है एंड ऑल द कंज्यूमर गुड्स कम्स अंडर फाइनल गुड. सो इट्स अ फाइनल गुड. नेक्स्ट, चॉक्स परचेज बाय अ स्कूल.
स्कूल में जो चॉक यूज करती है आपके टीचर्स आपको टीच करने के लिए, तो जो चॉक है बेटा वो जितना यूज कर लिया वो रीयूज थोड़ी हो सकता है। स्कूल में चॉक यूज होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज, राइट? प्रोड्यूसर गुड है चॉक, कंज्यूमर गुड नहीं है, ध्यान रखना। तो ये जो चॉक है बेटा ये इंटरमीडिएट गुड है बेसिकली। क्यों इंटरमीडिएट गुड है? क्योंकि ये सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड है, ठीक है, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड, एक ही बार यूज होगा जो चॉक, वो रीयूज नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, फर्टिलाइजर्स यूज बाय फार्मर्स, फार्मर्स जो फर्टिलाइजर यूज कर रहा है वो प्रोडक्शन करने के लिए यूज कर रहा है, फार्मिंग करने के लिए यूज कर रहा है, और जितना फर्टिलाइजर एक बार यूज हो जाएगा उसे दोबारा रीयूज नहीं किया जा सकता है। सो इट्स अ सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड, एंड वी नो दैट सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स कम्स अंडर इंटरमीडिएट गुड। तो ये क्या है? इंटरमीडिएट गुड है। नेक्स्ट बेटा, प्रिंटर परचेज्ड बाय अ लॉयर, लॉयर ने प्रिंटर परचेज किया है, ठीक है, तो क्यों किया है? अपनी सर्विसेज देने के लिए, ठीक है, यूज करने के लिए, ताकि वो खुद यूज कर सके आगे प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज के लिए। अब ये जो प्रिंटर है ये बेसिकली प्रोड्यूसर गुड है, और ये क्या है? मल्टीपल यूज प्रोड्यूसर गुड, मल्टीपल यूज प्रोड्यूसर गुड। प्रिंटर एक बार तो नहीं खत्म हो जाएगा ना प्रिंटिंग करके, क्या होगा? बार बार यूज होता रहेगा, सालों साल यूज होता है बेटा एक प्रिंटर, तो इसे बोलेंगे कैपिटल गुड। अब वी नो दैट कि जो कैपिटल गुड्स होते हैं दैट कम्स अंडर फाइनल गुड, सो इट्स अ फाइनल गुड, ओके। नेक्स्ट, वीट यूज बाय हाउस होल्ड, वीट जो हाउस होल्ड ने यूज करी, हाउस होल्ड इज द अनदर नेम ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर जो भी चीज यूज करते हैं वो होते हैं कंज्यूमर गुड्स, और कंज्यूमर गुड्स सारे के सारे कहां पर आते हैं? फाइनल गुड्स के अंडर, सो इट्स अ फाइनल गुड्स। कंज्यूमर तो कहीं पे भी लिखा हुआ आ जाए वो तो फाइनल गुड ही ट्रीट होगा फिर। रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल्ड बाय अ फर्म, एक फर्म एक कंपनी रेफ्रिजरेटर यूज कर रही है, तो जो रेफ्रिजरेटर है वो क्या है बेटा? कैपिटल गुड है, राइट? सिंस इट इज अ कैपिटल गुड सो इट कम्स अंडर फाइनल गुड्स। नेक्स्ट, शुगर यूज्ड बाय अ स्वीट शॉप, स्वीट शॉप में शुगर यूज होती है फॉर मेकिंग द स्वीट्स, राइट? और शुगर जो होती है वो क्या है? सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स है ना, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड, एक बार यूज होगी दोबारा रीयूज नहीं हो सकती जो शुगर यूज हो चुकी है, राइट? सो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स कम्स अंडर इंटरमीडिएट गुड। ओके, सो आई होप गाइज अब आपको कैटेगराइजेशन करना आ गया होगा कि कौन से इंटरमीडिएट गुड है, कौन से फाइनल गुड्स हैं, राइट? जब भी हम किसी कंट्री का जीडीपी या डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम निकालते हैं तो हम फाइनल गुड्स को कंसीडर करते हैं, हम इंटरमीडिएट गुड्स को कंसीडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक ठीक से समझ में आया होगा, और इजाज़त चाहती हूँ इस सेशन को एंड करने की। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, इफ़ यू फील द सेम देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड कमेंट कि आपको समझ में आया है या नहीं, और डोंट मिस टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पर बेटा सेशन को एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, कीप स्टडिंग, जय श्री श्याम।